नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल धनखड़ ने एक बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। जो हां, हिंसा का वीडियो ट्वीट करते हुए ममता सरकार पर राज्यपाल ने बोला हमला। इसके अलावा राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी से हिंसा रोकने के लिए कार्रवाई करने की मांग, तो साथ ही साथ हिंसा के दौरान पुलिस की निष्क्रियता पर भी राज्यपाल धनखड़ ने उठाए हैं सवाल। जो हां, एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी का असली चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि लगातार पिछले दो महीनों से जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा का तांडव जारी है, और इसी कड़ी में जिस तरीके से आपको बता दें कि हाल ही में दो अलग अलग जगह पर जो सांप्रदायिक दंगे सामने आए थे, इसमें किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने हिंदुओं पर एक बार फिर से वार किया है, एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाए साफ तौर पर सबके सामने है। लेकिन आपको बताते चले कि इस हिंसा के दौरान एक बार फिर से बीजेपी सांसद लौके चटर्जी पर भी हमला किया गया है, जिस पर साफ तौर पर बोलते हुए बंगाल में बंगाल के राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। जी आपको बताते चले कि पिछले दिनों बालीगंज, तिरजला और चंद्रनगर में सांप्रदायिक दंगा किया गया था, जिसको लेकर लगातार राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी से नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अराजकता लोकतंत्र का दुश्मन है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि इस दौरान हिंसा के दौरान बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी के भी काफिले पर हमला किया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की थी और साथ ही साथ बीजेपी नेता के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद उस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में जहां पर बंगाल की पुलिस को इस हमले को रोकने पर काम करना चाहिए था, इस पर जो अफरा तफरी मची हुई थी, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन बंगाल की पुलिस ने एक बार फिर से अपना बड़ा प्रमाण देते हुए साफ तौर पर यह साबित कर दिया है कि बंगाल की पुलिस सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के आदेशों पर काम करती है, क्योंकि उस दौरान हंगामे के दौरान जहां पुलिस को वहां पर काम करना चाहिए था, गुंडों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन बंगाल की पुलिस सिर्फ और सिर्फ मूर्ख दर्शक बनी तमाशा देख रही थी। यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल में लगातार चल रही हिंसा के तांडव को लेकर बार बार बंगाल की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि इसको लेकर कई बार राज्यपाल धनखड़ इसके पहले भी ममता बनर्जी से इन तमाम मुद्दों को लेकर हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जो हाल ही में जो ताजा वाक्य आया, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मसार था और इसी वजह से लगातार अब ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्यपाल धनखड़ ने भी एक बार फिर से सूबे की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने चंद्रनगर हिंसा का वीडियो शेयर करते हुए साफ तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कानून बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बताते चले कि इस दौरान राज्यपाल धनखड़ ने पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जहां पर पुलिस को इस पूरे हंगामे के दौरान कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी थी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि राज्यपाल धनखड़ ने लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें ममता सरकार पर साफ तौर पर निशाना साधा है। जी हां, आपको बता दें कि धनखड़ ने वीडियो ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि हिंसा अराजकता लोकतंत्र के दुश्मन है। ममता बनर्जी से अब यह अपील है कि स्थिति को बिगड़ने ना दिया जाए, इस पर इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए और साथ ही साथ जो जिम्मेदार पुलिस इस पूरी हिंसा को लेकर है, इस पर भी बोलते हुए राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि अनुकरणीय तरीके से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और पक्षपात पूर्ण हितों से ऊपर उठने का समय अब आ चुका है। जहां एक बार फिर से इसके अलावा राज्यपाल ने एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि बीजेपी सांसद लौके चटर्जी पर हमला हुआ है, लेकिन बंगाल पुलिस कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनी देखती रही। और साथ ही साथ आपको बताते चले जो तिलाजला में भी जो मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, इसको लेकर भी आपको बता दें कि राज्यपाल ने ममता बनर्जी से सवाल किया है और उन पर हमला करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि शासन प्रबंध चंद्रनगर और बालीगंज तिलाजला क्षेत्र में शांति और शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए और पुलिस को भी साफ तौर पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि स्थिति को रोकने के लिए इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अब जवाबदेही का समय आ चुका है। जी हां, आपको हमने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं है जब राज्यपाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ या बंगाल की स्थिति को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव के पहले की अगर बात की जाए और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद से लगातार जो बंगाल में हिंसा जारी है, इसको लेकर कई बार राज्यपाल धनखड़ ममता बनर्जी से विनम्र अपील भी कर चुके हैं और साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि बतौर
मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी पर इसको लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन लगातार ममता बनर्जी इन तमाम बातों से नदारद बैठी हुई है। यही बड़ी वजह है कि लगातार टीएमसी के गुंडों को बढ़ावा मिल रहा है और टीएमसी के गुंडे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हिंदुओं को चुन चुन कर मारने और पीटने का काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में जिस तरीके से आपने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी होंगी कि कैसे तिलजला इलाके में शनि मंदिर में टीएमसी के गुंडों की ओर से तोड़फोड़ की गई थी, मूर्तियां तोड़ी गई थी, वहां पर हिंदुस्तानी हिंदुओं पर हमला किया गया था। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ अब तक रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को शरण देती हुई दिखाई पड़ी है, यही बड़ी वजह है कि अभी रोहिंग्या मुसलमान से लेकर ये बांग्लादेश से घुसपैठिए लगातार बंगाल में हिंसा की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने में लगी हुई है, लगातार अपने टीएमसी के गुंडों को बचाया जा रहा है और सिर्फ केंद्र पर तमाम तरह की छुटाकशी करती ममता बनर्जी नजर आ रही है। लेकिन आपको बताते चले जो ताजा हालात बंगाल में बने हुए हैं, इसको लेकर साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि अब बंगाल की स्थितियां बद से ज्यादा बदतर होने लगी हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि खुलेआम टीएमसी के गुंडे इस तरीके से सांप्रदायिक हमला कर रहे हैं, लगातार इस तरीके के दंगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों पर काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर ममता के इशारों पर इतने बड़े बड़े दंगे नहीं किए जाते, इतने बड़े बड़े बम नहीं फेंके जाते, तो ममता बनर्जी इस पर कार्रवाई करती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीतिक बदले की आग इस तरीके से बंगाल में दिखाई पड़ रही है और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी भी अपनी बंगाल पुलिस की तरह इस पर कार्रवाई करने की जगह सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनी बैठी हैं। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी के बड़े आला नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जो बंगाल में लगातार अलग अलग इलाकों में जो सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से तिलजला इलाके में शनि मंदिर में जो तोड़फोड़ की गई है, हालांकि जरार वहां पर जो पत्रकार उसे कवर कर रहा था उस पर भी हमला किया गया जो कि वाकई शर्मनाक है, लेकिन इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर इसकी निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि पत्रकार संजीव बसु एक विश्वसनीय पत्रकार है, लेकिन उन पर जिस तरीके से हमला किया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। अत्याचार केवल अब तक लोगों और संपत्तियों तक ही सीमित थे, लेकिन अब यहां तक कि हिंदू मंदिरों पर भी लगातार हमला किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भी ये सख्त लहजे में कहा है कि जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ संपत्तियों पर और हिंदुओं पर निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से ओछी राजनीति करते हुए अब मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, पुजारियों के साथ मारपीट की जा रही है, लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ जो की जा रही है, साफ तौर पर दिखाता है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कश्मीर में भी इस तरह की स्थितियां लगातार बनी हुई दिखाई पड़ी थी, किस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ नरसंहार किया गया था और कैसे चुन चुन कर हिंदुओं के साथ वार किया गया था, उनके साथ बलात्कार किया गया था, लेकिन यही घटना यही तस्वीर अब बंगाल में लगातार बार बार सामने आ रही है। लेकिन वाकई बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है या फिर ये कहा जाए कि शर्मनाक है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से लगातार बंगाल में इसी आग को भड़काती आई है और यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल में शांति की जगह लगातार हिंसा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, अभी हाल ही में लगातार जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हम सब ने आपको देखा था कि, लेकिन आपको बताते चले कि इसी कड़ी में जिस तरीके से दक्षिण दिनाजपुर जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों को पीटा जा रहा है, वहीं जिस तरीके से लगातार जो हिंदुओं पर टीएमसी के गुंडों की ओर से नरसंहार किया जा रहा है और कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी बांगी दरअसल आपको बताते चलते हैं। क्योंकि हाल ही में दक्षिण दिनाजपुर जिले में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार वालों के साथ मारपीट की गई है और कार्यकर्ता के फैमिली मेंबर, बेटी से लेकर पत्नी से लेकर आपको बताते चले कि परिवार के एक एक सदस्य को पीटा गया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि दरअसल बंगाल में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज है और सिर्फ ममता बनर्जी कश्मीर पार्ट टू बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि अब लगातार केंद्र गृह मंत्रालय से भी लगातार हस्तक्षेप करने की मांग बंगाल के लोगों की हो रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार केंद्रीय मंत्रालय एक्टिव मोड पर है और बंगाल में लगातार नजर बनाए हुए। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक बदले की आग इन मासूमों के साथ निकाली है, ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन
लेकिन आपको बताते चलें कि राज्यपाल लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी से इस पर कार्रवाई करने की मांग करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वही ममता बनर्जी इसे लगातार नजरअंदाज करती नजर आ रही है। और वही दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार अगर हम लिबरल पत्रकारों की भी बात करें यहाँ पर, तो बंगाल की घटनाओं को दिखाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एजेंडाधारियों की खबरें चलाने में लगे हुए हैं, जो शायद बड़ी वजह मानी जा रही है कि लगातार बंगाल की स्थितियों पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। और सबसे शर्मनाक वाक्य तो ये कि जिस तरीके से हमने आपको भी पिछले दिनों रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे राजदीप सरदेसाई, जो कि अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी पर सवाल खड़े करने के बजाय राज्यपाल पर तमाम तरह के हमले किए जा रहे थे और उनकी ओर से उठाए गए एक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से राज्यपाल धनखड़ ने एक बार फिर से बंगाल की कानून व्यवस्था पर जो बड़ा सवाल किया, इस साफ तौर पर बड़ा सवाल है, निशान खड़ा करता है ममता बनर्जी पर, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है और मुख्यमंत्री बनते जिस तरीके से ममता बनर्जी ने शपथ ली थी कि वो अपने प्रदेशवासियों की रक्षा करेंगी, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में जो हालात ममता बनर्जी ने बनाए हुए हैं, ये साफ तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी अपने राजनीतिक बदले की आग इन मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर ले रही है, क्योंकि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि इन तमाम मुद्दों के बीच, इन तमाम सांप्रदायिक दंगों के बीच अब बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, क्योंकि अब लगातार बंगाल की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं, और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी पर बड़ी कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।